चलिए बोर्ड पे कुछ लिख के दिखाइए। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या आपने भी ऐसे ही सोचा है बोर्ड पे लिखने का? अगर आपने ऐसे सोचा है तो आप समझ जाइए यही कि यही आपका इंटरव्यू कैंसिल और आपको इंटरव्यू से कर दिया जाएगा बाहर और आपको दिखा दिया जाएगा बाहर का रास्ता। अगर आपने जिस तरीके से अभी मैंने किया और जिस तरीके से अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेंगे। क्योंकि क्लासरूम के अंदर जब आपका डेमो होता है तो डेमो के अंदर जब आपको बोर्ड पे लिखने की बात करी जाती है तो बोर्ड पे लिखना एक आर्ट है। राइटिंग ऑन अ बोर्ड इज एन आर्ट दैट यू हैव टू लर्न, बिकॉज जब आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो छोटी छोटी बातों पे नजर रखी जाती है कि आपका खड़े होने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप बोल रहे हैं, बच्चों के साथ क्या इंटरेक्शन कर रहे हैं। अभी आपने देखा मैं आया, गुड मॉर्निंग बोला और सीधा उल्टा घूम करके अच्छा लिखना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, क्या ये एक पॉजिटिव फैक्टर है? जी नहीं दोस्तों, ये एक बहुत ही नेगेटिव फैक्टर है। तो आखिर हम ब्लैक बोर्ड पे लिखे कैसे? तो स्वागत है दोस्तों आपका मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके चैनल पे, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू यूज ब्लैक बोर्ड, हाउ टू राइट इंट्रो इन डेमो। चलिए शुरू करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। अभी फिर से दोबारा मुझसे ही ये सवाल पूछा जाएगा कि आप बोर्ड पे कुछ लिख के दिखाइए या फिर आपसे बोला जाएगा डेमो के लिए, तो आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे? अब देखिए फिर से मैं दोबारा वापिस आता हूं। गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर फाइन, एक्सीलेंट। बेटे टेल मी व्हाट इज द डेट टुडे? एनीवन? यस यस यू स्टैंड अप एंड टेल। यस टुडेज डेट इज 5 फरवरी 2019। व्हाट इज द डेट? 5 फरवरी 2019। ओके बच्चों स्पीक अलोंग विद मी, व्हाट इज द डेट? 5 फरवरी 2019। ये वेरी गुड। Okay, now tell me what is the day today? What is the date? Oh, no, no, not in chorus. Who will speak? Raise your hands. Yeah, yeah. Dharmesh, you stand up. Yeah, tell what's the day today? Very good. What is the day? Today's day is Tuesday. What is the day? Tuesday. What is the day? Tuesday. Okay, okay, okay. What is the spelling? Speak along with me. T U E S D A Y, Tuesday. Yay, very nice. So how many number, what are the total number of students in this class? Where's the class leader? Yes, yes. So Bhagya, stand up and tell, what are the total number of students in your class? Yes, the total number of student is 33. Yes, very good. So kindly check your monitor register and tell me how many students are present today. Can I count? Yeah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes, present students are 32 and absent is only one. Okay, very nice, very good class. तो दोस्तों आपने देखा, वैसे हालांकि मैंने उतनी ज्यादा नहीं किया, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। बोर्ड पे लिखते वक्त देखिए, क्लास में जाकर के आप किस तरीके से रोज बोर्ड पे लिखते हैं वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन जब आप डेमो दे रहे हैं तो डेमो देते वक्त उस टाइम आप बोर्ड को किस तरीके से यूज कर रहे हैं? आप बोर्ड पे लिखते वक्त क्या बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करके लिख रहे हैं? बच्चों से आपका क्या इंटरेक्शन है? बच्चों से आपका क्या इंटरेक्शन है? और जब आप लिख रहे हैं तो कितने एक्टिव है और कितने पैसिव है, इन सब के पॉइंट्स होते हैं। आपने पूरा डिफरेंस देखा होगा, पहली बार अभी जो मैंने लिखा और अब जो मैंने लिखा, दोनों मैंने सेम बात लिखी, लेकिन दूसरे में मैंने किस तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ क्या सच में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं? तो मेरे साथ कोई भी बच्चा यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं हर एक बच्चे का नाम लेकर के अज्यूम कर रहा हूँ कि यस वो स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, और उस हिसाब से मैं उनसे बातें भी कर रहा हूँ और उस हिसाब से मैं उनसे सारी डिटेल्स भी ले रहा हूँ और उसी तरीके से मैं ब्लैक बोर्ड पे वर्क भी कर रहा हूँ। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्लास में एंट्री लेंगे डेमो के अंदर तो किस तरीके से आप अपना इंट्रो फिल करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि लिखते वक्त यहाँ पे आप टॉपिक पहले ही लिख दें, कोई जरूरी नहीं कि आप टॉपिक पहले ही लिखें, ठीक है? आप आपने ये सारी डिटेल्स लिखी, क्योंकि ये डिटेल्स इतना ज्यादा जरूरी है
यहाँ पे आप टॉपिक का कॉलम खाली छोड़ सकते हैं, टॉपिक को आप अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ, एक्टिविटीज के साथ उसको इंट्रोड्यूस कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे टॉपिक लिख सकते हैं। अच्छा, आपको समझ में आया होगा कि ब्लैक बोर्ड पे यूज कैसे कर सकते हैं। इस आइडिया को और मॉडिफाई करके आप इम्प्लांट कर सकते हैं और अपने आप को और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो फिलहाल अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ ही साथ अगर आप केवीएस पीआरटी इंटरव्यू कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच 2 की रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है जो कि 11 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चलेंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से पूरी जानकारी ले सकते हैं और कोर्स के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।